अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ये मेरा ब्लॉग ना आउटिंग ब्लॉग है, तो इसमें आप लोगों को बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ देखने को मिलेंगी। और अभी तो मैं अमायरा को लेकर आई हूँ हॉस्पिटल, इनका ब्लड टेस्ट है, इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। कुछ नहीं करें, कुछ नहीं, ये देखो मैम अब रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सब लोग क्या कहेंगे, सब हंसेंगे, वो सब हंसेंगे, सब कहेंगे हमारी रोती है। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट इन लोगों ने किया ना, बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चों के ना ये पहले से इन्होंने ट्यूब लगा दी थी, कोई वो जगह ना सॉफ्ट हो गई थी, तो बिल्कुल भी अमायरा को पता नहीं चला कि उसका ब्लड निकला या उसे इंजेक्शन लगा, कुछ भी नहीं पता चला। वो सिर्फ यूं ही रो रही थी कि मेरे इंजेक्शन लगने वाला है, तो वो ऐसे ही रो रही थी, वरना यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह इसको बिल्कुल भी नहीं पता चला और बहुत अच्छा होगा टेस्ट। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जिस जगह की मैंने आप लोगों से बात करी थी। तो जी, ये है ब्लू प्लैनेट एक्वेरियम, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है। और आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग भी ना मेरी तरह हैरान होने वाले हैं, क्योंकि मैं तो ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ऐसी ऐसी भी फ़िश होती हैं, मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं था। जो कि मेरे यहाँ इंडिया में ना ज़्यादातर मेरे यहाँ बिजनेस है फिश का, और लेकिन फिर भी ना मैंने ऐसी ऐसी फिश कभी नहीं देखी। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्टार्ट जो किया है ना, तो ये फिश मैंने इन सबको भी पहली बार देखा था, लेकिन अभी ना मैंने इन लोगों के नाम ना मैंने शूट नहीं किए थे तो आप लोगों को पता चलता, क्योंकि ये जितनी भी फिश लगी हैं सब अलग अलग ही हैं। अच्छा, देखने में मुझे नॉर्मल फिश लग रही थी, जैसे कि मैंने इंडिया में पहले देखी हुई है ना, तो मुझे वैसे ही लगी, लेकिन जब मैंने नाम पढ़े ना तो हर फिश का ना अलग अलग नेम था। तो आगे जो मुझे फिश दिखी ना, उनसे तो मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला कि फिश ऐसी भी होती है जिनमें बहुत ज्यादा जहर होता है। तो खैर, अभी आप लोग आगे देखिएगा। अच्छा जी, आगे आप लोग देखेंगे बहुत सारी फिश जो ऐसी है ना कि जो मुझे लग ही नहीं रहा था फिश है, वो इतनी खूबसूरती से बनी हुई है। और कुछ फिश ऐसी हैं कि उनकी खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा बस मैं देखती रहूं। अच्छा, तो ये ऑरेंज कलर की फिश थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये भी, लेकिन ना अभी जितनी भी फिश आएंगी ना स्टार्टिंग में, वो तो मुझे नॉर्मल फिश की तरह ही दिखती हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखी हुई हैं, लेकिन जो लास्ट में आएंगी ना आप उन्हें देख के हैरान हो जाएंगे। तो मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कुछ कुछ सीन यहाँ के इतने प्यारे हैं ना कि बस मन कर रहा था मैं यहीं बैठी रहूँ। तो आप लोग अभी देखिएगा, यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा पास से मैंने फिश को देखा आज फर्स्ट टाइम। अच्छा, इससे पहले मैंने देखा था जब मैं स्पेन में बोट पर गई थी पिकनिक मनाने के लिए, तो मैंने वहाँ पर शार्क को देखा था बहुत ज़्यादा करीब से, उसके बाद ना उससे भी ज़्यादा करीब से मैंने यहाँ पर देखा। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये सीन मुझे इतना प्यारा लगा था कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ पे ना खूब सारी वीडियो शूट करूँ, फोटोज़ क्लिक कराऊँ, लेकिन ना सबसे ज़्यादा मेरे लिए ना अफसोस की बात पता है क्या है, मेरे जो शौहर जी है ना उन्हें बिल्कुल भी फ़ोटो क्लिक करना नहीं आता, कैमरे को ऐसे पकड़ते हैं ना कि मेरी सारी पिक जो होती है ना वो धुंधली सी ब्लर सी आ जाती है, मुझे इतनी गुस्सा आती है ना, तो मैंने ना गुस्से में फ़ोटो क्लिक कराना ही बंद कर दिया कि आपने कुछ कर नहीं पाना और मेरा मूड ऑफ हो जाता। ये फिश मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, आप देखिए कुछ में ना येलो और ब्लैक लाइनिंग है, और कुछ में आप देखिए ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग है, और एक जो मुझे सबसे प्यारी लगी ना वो आप लोग गौर से देखिएगा, येलो, ये वाली जो आगे आ रही है ना, येलो एंड ब्लैक एंड वाइट, तो तीन लाइनिंग सी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। और कुछ इसमें थी जो पूरी येलो थी और कुछ पूरी पिंक थी, तो ये ना इनका कलर ही ऐसा है, तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं इन्हें देख के इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था ना मेरे घर में एक्वेरियम हो और उसमें ये वाली फिश ज़रूर हो मेरे पास। अच्छा, तो जब यहाँ पे मैं शूट कर रही थी ना तो मैं थोड़ा सा अपसेट थी, तो मेरे शौहर समझ चुके थे कि मैं क्यों अपसेट हूँ, क्योंकि ना मेरी ना फ़ोटो कोई भी क्लिक नहीं हुई थी, तो मेरा ना मूड बड़ा ऑफ था, तो कहते हैं ठीक है मैं स्पेशल ना कोर्स कर लूँगा तुम्हारी फ़ोटोज़ के लिए।
अच्छा ये तो मुझे बिल्कुल फिश लग ही नहीं रही थी, मैंने इसे स्नैक समझा था कि ये सांप है छोटे छोटे से, लेकिन ना फिर इन्होंने बताया कि देख लो उस पे पढ़ लो जाकर, तो फिर मैंने देखा ये तो फिश है, तो बड़ा ही अजीब था कि ये फिश कैसे हो सकती है, लेकिन जी ये फिश ही है। तो इसमें ना मेरे ब्लॉग देखकर ना बहुत से लोग सोचेंगे कि मुझे, मैंने क्या फिश के बारे में पढ़ा नहीं था, तो जी मैंने इतनी सारी फिशों के बारे में नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। कुछ फिश को मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। अच्छा ये भी इंडिया में आती, लेकिन मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो ये देखिए कैसे फ्लाई कर रही है फिश। अच्छा जो ये फ्लाई कर रही है, मैंने ना इसको ना आगे जाके बहुत ही करीब से शूट किया है, तो वो मुझे ना बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत करीब से शूट किया है, और शार्क के ना पूरे मैंने ना दांत ले रखे हैं सारे अच्छे अच्छा से ये जो शूट में। टनल के अंदर मैं हूँ ना, ये बहुत अच्छी तरह से बना है, इस टाइप से कि जो मेरे सर के ऊपर से भी गुजर रही है ना फिश, उनकी भी मैं अच्छे से वीडियो शूट कर सकूँ। तो बड़ी प्यारी तरीके से मैंने वीडियोज़ को यहाँ पर शूट कर लिया था। तो ये ना मैं अंदर आई हुई हूँ, इसलिए यहाँ पर इतना अच्छा क्लियर शूट हो रहा था। यहाँ पर मैं सोच रही थी ना, काश मैंने सेल्फी स्टिक खरीदा होता और लेकर आती, लेकिन मैंने ना कभी सेल्फी स्टिक यूज ही नहीं करी। लेकिन इसके बाद ना मैंने कर लेना है ऑर्डर, क्योंकि मेरी कोई पिक नहीं है यहाँ पर, और मैंने बच्चों की वीडियो बना ली और शोहर की भी बना ली, मेरी नहीं है। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही ना फ्लाई करते हुए, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी जब ये फ्लाई कर रही। अच्छा यहाँ पे ना अमायरा को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे ना महसूस हो रहा था कि वो इसे टच कर रही है, तो इसलिए उसने यहाँ पर ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो आज ना उसका जाने का मन ही नहीं है कि मैं घर वापस जाऊँ, तो मैंने कहा कि वो यहीं पर रहने का इरादा है। कहती नहीं मम्मा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, मुझे इतनी सारी फिश देखने को मिल। अच्छा तो ये जो ऑरेंज कलर की फिश है ना, ये भी एक फिश है, तो इसके बारे में मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था, लेकिन ना मैंने सिर्फ देखा था स्कूल की बुक्स में पिक्चर बनी हुई, मैंने रियल में फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये येलो कलर की जो है वो भी फिश है, और ये डार्क पर्पल कलर की है ना, छोटी छोटी बड़ी ये सारी फिश है। तो ये देख के तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, तो मैंने इसका नेम भी शूट कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये फिश है। आप लोग भी देख के कहेंगे, जिसे पता होगा तो वो तो जानता ही होगा। अच्छा ये फिश देखे, ये मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक सी लग रही थी। अच्छा ये खतरनाक है भी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा जहर है, इसमें लिखा हुआ था यहाँ पर, क्योंकि हर फिश के बारे में ना साइड में लिखा था, तो ये मुझे बहुत खतरनाक सी दिख रही थी, मतलब होता है ना जैसे क्रूर सिंह टाइप, ऐसी मुझे लग रही थी। तो फिर ना जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत जहरीली फिश है। अच्छा ये फिश देखे जो फ्लाई करती है ना, ये वो वाली फिश है, मैंने इनके नाम नहीं शूट किए ज़्यादा, तो ये देखें कि इनका मैंने इतना क्लोज शूट किया है ना कि पूरे दांत मुंह सारा कुछ आया हुआ है। अच्छा लग रहा था, इतने पास से गुजर रही थी ना, तो शूट करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अच्छा ये बाहर का साइड है जहाँ पर ये दो तीन चीज़ें थी, और ज़्यादा ख़ास नहीं था यहाँ पर, लेकिन हमारा को झूले वगैरह दिख गए थे, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर घूमूंगी। तो अच्छा फिर आगे तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे साथ आज आप लोगों को आउटिंग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। आप लोग कमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा जैसे कि कंजूसाई मैंने आप दिखाते लोगों हैं। को पहले बताया, मेरे चैनल पे इनवैलिड क्लिक आया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट्स करके लाइक करके इसे वायरल करें, ताकि ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।